जी निश्चित तौर पर मैं शीतल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि चुनौतियां इतनी बड़ी हैं कि अब ये जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स वाला पूरा अप्रोच है, इसे भी बदलना होगा। असल में आपकी देखिए, राजनीति में रहा होगा कोई दौर जिसमें विचार से लोग लड़ते थे, अपनी छवियों से लड़ते थे, उनके नाम, उनकी पहचान हुआ करती थी, लोग उनको देखने जाया करते थे। वो एक बात किसी प्रदेश के कोने से बैठकर बोले तो उस पर पूरे प्रदेश में एक हवा बन जाती थी। लेकिन बदलाव प्रतिपक्ष का जब हुआ तो सामने आपके वो लोग खड़े हैं जो 2400 घंटे, 12 महीने, 5 साल चुनाव के मोड में रहते हैं। वो एक चुनाव जीतते हैं, अगले की तैयारी कर रहे होते हैं। वो एक प्रदेश में अगर देखते हैं सरकार गिरने वाली है तो पूरी की पूरी पार्टी के विधायक को खरीद लिया। अब मैं खरीद लिया कह रहा हूं, अब इसका क्या प्रमाण होगा? लेकिन अंततः वो लोग हैं, जहां विधायक कम है वहां भी सरकार उन्हीं की बनती है। कई इस तरह के पहलू हैं। मेरा मानना ये है कि राजनीति की जो जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है वो बहुत बदल गई है। इसमें किसी भी राजनेता के लिए अब ये मुमकिन नहीं है कि अब आप अपनी पुरानी छवि से कि भाई हम तो इतनी बड़ी पार्टी है, हम उसके 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 4.5 साल मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री वाले जॉनर से निकल नहीं पाए, आप आखिरी में आए। और मेरा आकलन ये कहता है कि बीजेपी के लिए सबसे विपरीत चुनाव था। जनता यह चुनाव लड़ रही थी और जनता आपके 4-6 महीने के कैंपेन में भी आपके साथ इस कदर जुड़ती है कि आपको एक उम्मीद मानती है। आपकी रैलियों में अप्रत्याशित भीड़ होती है। ये जो लोग आज दावा कर रहे हैं कल शपथ ग्रहण होने वाला है, वहां तो अब ये दावा किया जाएगा कि हमारे तो प्रतिपक्ष में कोई है ही नहीं। मगर सवाल ये नहीं था, चुनाव में तो वो खुद बैकफुट पड़ते। हाँ, कई वजहें हैं जिसकी वजह से उनकी सरकार बनी है। कहना मेरा ये है कि अब ये जो राजनीति है, मुझे एक इशारा समझ में आया कि चलिए आपने दिल्ली का मोह छोड़ा, आपने विधानसभा को चुना कि आप मुखर होकर के सामने वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता साबित करेंगे। यही काम अब करना होगा। और वही बात है, बात दोहराने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं बहुत संक्षेप में उसको कोट कर रहा हूं। 5 साल पहले 14 से 19 का टर्म अगर हम देखें तो 14 से 19 का केंद्र सरकार का रवैया भी ऐसा रहा कि ऐसा लग रहा है गोया वो किसी तालाब में एक एक कंकड़ फेंक करके टेस्ट कर रहे हो कि प्रतिक्रिया कैसे होने वाली। और जैसे 19 में दोबारा वो बहुमत में आते हैं, उन्होंने वो सारे काम एक तरफ से करना शुरू कर दिया जो कई दशकों से उनके एजेंडे में थे। वो 370 हो, वो CNRC हो, वो राम मंदिर का मसला हो, कोई भी ऐसा काम जिसको वो डर रहे थे वो अगले कार्यकाल में कर दिए। यही तो उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग हो चुकी है। हम बुलडोजर चलाएंगे, हम लोगों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज करेंगे, CNRC जैसा मुकदमा होगा तो लोगों को बेरहमी से कुछ लेंगे, लोगों के थानों पर सुनवाई नहीं होगी, कोई भी वैकेंसी ऐसे नहीं निकलेगी जिसमें रिजर्वेशन फुलफिल होगा। सारा कुछ तो टेस्टिंग हो चुकी है। कल्पना करिए कि इस 5 साल में क्या होने वाला है। इसलिए तो मुसीबत केवल यह नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसके पॉलिटिकल फ्यूचर को बचाना है, सवाल यह है कि आपको जमहूरियत और उसमें भी लोकतांत्रिक जमहूरी संस्थाएं जो उनको बचाना है। इसलिए विपक्ष के नेता का सियासी धर्म है कि वो सड़क पर लड़ता हुआ नजर आए, वो अपनी जनता के सामने सवालों पर मुखर होकर के आगे आए। और आखिरी टिप्पणी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, विमर्श और विमर्शों की दिशा तय करने वाले लोग इस समय बीजेपी के माने जा रहे हैं। वो एक एजेंडा सेट करते हैं, लोग उसके पक्ष या विपक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। कई बार ये जरूरी भी हो जाता है, मजबूरी भी हो जाता है। मगर अब आपको अपनी विचारधारा पर समझौता नहीं करना होगा। मैंने अलीगढ़ में एक भाषण देते हुए, चूंकि वहां बीजेपी के एक नेता बैठे थे और उन्होंने मंच पर मेरे सामने बोल दिया कि बाबा साहब अंबेडकर को असल मायनों में कोई जी रहा है, कोई चरितार्थ कर रहा है, तो वो मोदी जी हैं, योगी जी हैं। तो मैंने प्रतिक्रिया में ये बात जहां बोली थी उसमें एक वाक्य बोला था जो बड़ा वायरल हुआ। मैंने कहा कि एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार, ये आपकी वैचारिक खोखलापन है। इसलिए मेरा मानना अभी भी ये है कि सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसके कोर में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय है, शिक्षा रोजगार का सवाल है, जो शिक्षा और रोजगार बर्बाद हो रहा है, इसमें 90% तो यही वंचित शोषित जमात है जो 90 के बाद तो पहली बार मुख्यधारा में आना शुरू हुआ।
आप उनके सवालों पर विचारधारा के स्पष्टता के साथ खड़े हो जाइए। 86% शीतल जी ने इशारा किया, मैं आंकड़े उसी CSDS और लोक नीति का दे रहा हूं। 86% ब्राह्मण वोट और 89% ठाकुर वोट बीजेपी को पड़ा है, और यादव वादी बिल्कुल जाति पार्टी सपा 78% यादवों का वोट पड़ा है। तो भाई बताइए सबसे बड़ा जातिवादी कौन? वो अपनी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, और आप सबको खुश करने के लिए कि हम भाई सर्वजन की पार्टी है, बहुजन से सर्वजन कराने वाला हश्र आपने देख लिया। अखिलेश यादव के सामने ये चुनौती है, समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है कि लोहिया के विचार सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। 5 साल मजबूत विपक्ष बन करके अगर आप उत्तर प्रदेश में, अभी 5 साल छोड़िए 2 साल भी अगर ढंग से ये काम कर लें, तो 24 के परिणाम में भी बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। जनता के बीच भरोसा पैदा हो सकता है कि हाँ मोदी योगी नहीं तो कौन, तो आप साबित करिए कि वो आप से कई बार मुझे एक एक बात नजर आती है, वो आपके फोरम पर कह दो कि मैंने इस पूरे राजनीतिक विमर्शों में हाल फिलहाल में बहुत थोड़े से वक्त के दरमियान ये महसूस किया कि कई पॉलिटिकल पार्टियों का एनालिसिस वो लोग बहुत शानदार तरीके से कर लेते हैं जिसका उस पॉलिटिकल पार्टी से सीधा रिश्ता नहीं होता। मैं चिंतित होता हूं कि जो लोग इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहे होते हैं, जिनके पास टीम होनी चाहिए, रिसर्च विंग होनी चाहिए, सोशल मीडिया की टीम होनी चाहिए, उनके पास उनके अपने बुद्धिजीवी होने चाहिए जो पार्टी के लिए काम करें, वो नहीं है क्या? अगर ऐसे लोग नहीं है तो फिर तो आपकी पार्टी का हश्र यही होगा। एक बात, अगर दूसरी बात का पर गौर करें, जहां तक ध्रुवीकरण का सवाल है, बेहद अहम सवाल है, मैं खुद पूरे चुनाव के दरमियान दिल्ली में बैठकर देखने की एक सीमा भी है, वो सीमा ये है कि बहुत सतह सतह पर जो चीजें चल रही थी कई बार नहीं नजर आती, लेकिन हमारे तमाम वरिष्ठ लोग अक्सर जमीन से ये रिपोर्टिंग कर रहे थे कि हमारे कुर्बान अली साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही एक डिबेट में कि जब सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को एक एक हद तक लोगों के जहन में इनबिल्ट कर दिया गया, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वैसी सांप्रदायिक बातें बोली जाए ध्रुवीकरण, और वही होता हुआ नजर आया हम सब। मैं जो देख रहा था वो तो गलत चोला साबित हुआ, बदल बिल्कुल जाता है। ठीक बात है। और वो जो अंदर अंदर लोगों के भीतर एक किस्म का सांप्रदायिक जहर भर दिया गया, वो तो उत्तर प्रदेश तो उसकी एक शानदार प्रयोगशाला है, काशी मथुरा अयोध्या तीनों वहां है, 5 साल उनकी सरकार रही है, 5 साल में उन्होंने कोई लाग लपेट नहीं किया। पहले के जमाने में लोग बड़ी तारीफ करते, मैं तो बहुत सहमत नहीं हो पाता अटल बिहारी वाजपेयी से, उनकी राजनीति से, फिर भी लोग ये कहते हैं कि वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स किया करते थे। अब तो वो दौर ये है कि जो हार्ड कोर पॉलिटिक्स है वो करने वाले एक प्रधानमंत्री हैं, एक मुख्यमंत्री, और ऐसे तमाम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे, वो खुलेआम बुलडोजर की बात कहते हैं, 80-20 कहते हैं, वो खुलेआम लोगों को टिकट नहीं देते एक भी मुसलमानों को, तो वो कोई लाग लपेट की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, उनकी विचारधारा जो है अडिग होकर के मुखर होकर के अपनी विचारधारा पर काम कर रहे हैं। और आप लोहिया की विचारधारा पर कहाँ खड़े? ठीक बात है कि इस चुनाव में अपने पूर्व के वक्ताओं से यहां भी मैं सहमत हूं कि जितना हो सकता था उतना अच्छा चुनाव लड़ा गया, आपने एजेंडे शामिल किए, आपने मुद्दों पर लोगों को चुनाव लड़ने की बात कही, वोट देने की बात कही, बहुत अच्छी बात है, और यहां पर आप सफल भी हैं, मगर केवल चुनावी मोड में अगर ये बात आप कहेंगे तो लोग भरोसा नहीं जीत पाएंगे बहुत लोगों का, आपको उस पर काम करते हुए दिखना चाहिए। मैंने एक बात पढ़ी डॉक्टर लोहिया को पढ़ते समय कि जब नेहरू काबिज हो गए सत्ता पर, तो डॉक्टर लोहिया तो बड़े नेताओं में थे, गांधी जी के बड़े करीबी थे, पूरे समाजवादी धारे का नेतृत्व करते थे, और जब लोग सत्ता में काबिज थे तो दिल्ली की सड़कों पर नहर रेट का बढ़ने के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व करते हुए लोहिया लाठी खा रहे थे। तो लोहिया की विरासत कहाँ है? लोहिया जब गुजरे तो उनके पास एक टिन का बक्सा था जिसमें डायरी कुछ किताबें थी, डॉक्टर लोहिया ने कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कही है। अब जरूरत है कि अपने कैडर को आप ट्रेंड करिए, कैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपके पास नहीं है तो आप विचारधारा समझौता करेंगे। और शीतल जी ने जो बात का जिक्र कर दिया मैं उसे और आगे बढ़ा रहा हूं, स्टालिन ने विचारधारा क्या होती है यह आपके सामने पेश की है, कोई भी दौर ऐसा नहीं है। ये लोग तो वो राजनीति करते हैं, कांग्रेस भी इसमें शामिल है, कि भाई हिंदुत्व के विमर्श को इतना केंद्रीकृत कर दिया गया है कि अब उसका विरोध करके हम राजनीति नहीं कर पाएंगे।
स्टालिन तो कर रहे हैं भाई, वो हिंदुत्व का विरोध नहीं कर रहे सीधे, वो अपनी विचारधारा पे काम कर रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में उनका भी एक भाषण बहुत वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह आप उनसे पूछते हैं कि आपकी लेगेसी क्या है, तो मेरी लेगेसी पेरियार की लेगेसी, मेरी लेगेसी सोशल जस्टिस की लेगेसी, और तमाम फैसले पेरियार और उनकी वैचारिक जमीन पर स्टालिन कर रहे हैं और जगनमोहन रेड्डी भी कर रहे हैं। आप तो सैंडल के आंदोलन की जमीन रहे, आप तो उस पार्टी की विचारधारा के लोग रहे कि राम मंदिर आंदोलन जब उफान पे था तो आपकी पार्टी की मुखिया ने कार सेवकों पर गोली चलाने का साहस किया था, भले उसके बाद की राजनीति से बाम सेब के कांशीराम ने और डीके खापड़े कांशीराम के साथ बाम सेब बनाने में शामिल थे। उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट है सामाजिक ध्रुवीकरण, मैं उसे आज जोड़ देता हूं सामाजिक और आर्थिक ध्रुवीकरण, मजदूरों किसानों की, छात्रों नौजवानों की, वंचितों शोषितों कमेरा लोगों की एकता, वह ध्रुवीकरण है जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की काट होगी। क्योंकि आपको यह बात लोगों के बीच जाकर बताना पड़ेगा कि कश्मीर फाइल पर एक टिप्पणी कर देने पर राजस्थान में दलित लड़के को मंदिर में सार्वजनिक तौर पर बुलाया गया, नाक रगड़वा के माफी मांगी गई। एक बहुजन तबके की महिला, शायद छत्तीसगढ़ अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं, तो कथावाचक का काम करने लगी तो उनको टिप्पणी की गई कि आप जाकर के अपना दूसरा काम करो, ये कथावाचन आपका काम नहीं है। ये जो हिंदुत्व का गुब्बारा है ना, ये सामाजिक न्याय की कब्र पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण दौर है। आप लड़िए आगे खड़े होकर के कांशीराम, डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया मिल करके कौन सा समाजवादी देश बनाना चाहते थे, 5 साल 2 साल आपको मिला, सड़कों पर उतरिए, लोग तैयार हैं, लोग नाराज हैं। और आखिरी टिप्पणी, बस छोटी सी टिप्पणी विनीता जी, टिप्पणी ये है कि जातियों को लेकर के जो एक छवि बनाई गई है ना, यादव तबके की एक छवि बना दी गई कि वो तो गुंडे ही करते हैं, तो यादव तबके के ऊपर ये जिम्मेदारी है, अखिलेश यादव पर जिम्मेदारी है और समाज पर जिम्मेदारी है, दिल बड़ा करके उन गलतियों को ठीक करिए और यह खोजिए कि अति पिछड़े लोग आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो पा रहे, उनको जोड़िए, दलित तबके को जोड़िए, वंचितों शोषितों की एका बनाइए सड़क पर, सदन आपका होगा, वरना इस समय इस राजनीति से आप लड़ नहीं पाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।